बिंदावती पत्नी ननको ग्राम पाशाखेड़ा थाना पूर्वा जिला उन्नाव के मूल निवासी हैं। घटना 18 जुलाई 2020 समय लगभग 6:30 बजे की है, जब गांव के ही देवनाथ पुत्र गंगोई व राजकुमार पुत्र वैजनाथ व बबलू पुत्र वैजनाथ एवं रानी पत्नी मुनेश अनूप पाशाखेड़ा थाना पूर्वा जिला उन्नाव बिंदावती के घर पर उपरोक्त सभी लोग एक साथ होकर चढ़ाई कर दिए और गाली गलौज करने लगे। बिंदावती की पुत्री नीलू ने उपरोक्त लोगों को गाली देने से मना किया तो सभी लोगों ने एक राय होकर बिंदावती की पुत्री को बुरी तरह से पीटा, जिससे बिंदावती की पुत्री नीलू जो गर्भवती थी उसका बच्चा गर्भ में ही खत्म हो गया और उसकी हालत नाजुक हो गई। बिंदावती अपनी पुत्री को ले जाकर थाना पूर्वा में रिपोर्ट लिखवाई, जो पुलिस द्वारा दिनांक 18 जुलाई 2020 को दर्ज किया गया। इसके बाद पुलिस द्वारा पीड़ित का मेडिकल परीक्षण के अनुसार पुणे FIR दर्ज की गई। थाना पूर्वा पुलिस द्वारा अभी तक मुलजिम की कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और FIR में एक अभियुक्त रानी पत्नी मुकेश का भी नाम दर्ज नहीं किया गया था। बिंदावती के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत नहीं किया। ऐसा लगता है कि मुलजिम को गिरफ्तार नहीं करना चाहती है पुलिस। मुलजिम खुलेआम गांव में घूम रहे हैं और पीड़ित परिवार के लोगों को धमकी भी दे रहे हैं और मुलजिम बुलंद हौसले से बोल रहे हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रशासन से हमको उम्मीद है कि बिंदा की पुत्री को न्याय मिलेगा। अम्मा क्या नाम है आपका? बिंदावती। कहाँ की रहने वाली है? पाशाखेड़ा। क्या बात हो गई थी? झगड़ा हुआ रहा है। किससे? वो जो राजकुमार के घर से हुआ और हमने जो है हमारी बेटी को मारा तो हमारे बच्चा खराब हो गया। बेटी का आपके क्या नाम है? नीलू। ये बेटी है आपकी नीलू, इसी के साथ हुआ था? हाँ। आपने तहरीर दी थी? हाँ। कहाँ पे? पूर्वा थाना। थानेदार कौन था? खान सिंह। तो थान सिंह ने सुनवाई नहीं की है आपकी? खान सिंह अभी तक नहीं सुनवाई की, एक हफ्ता हो गया। कई तारीख का मैटर है? 18 तारीख। तब 18 तारीख से अभी तक कोई नहीं गया, वो ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कोई नहीं। सबसे पहले खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।